हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं विजिट करने वाला हूँ मेरोली आर्कियोलॉजिकल पार्क। इसके अंदर हमें बहुत मॉन्यूमेंट्स है मिलेंगे, जैसे कि आपको बहुत हॉन्टेड माना जाता है जमाली कमाली, एक होता है राजा की बावड़ी, और ऐसे बहुत कुछ मॉन्यूमेंट है मिट्टी में दफा हुआ, वो मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे। और ऐसे कोई मॉन्यूमेंट्स आपको देखने मिलेंगे जिसमें अब तक लोग पहुंचा भी नहीं है। मैं अपनी ऐसे से कोशिश करूंगा जितना भी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करके आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो शुरू से लेकर वीडियो देखते रहना, वीडियो चलो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। मेरोली आर्कियोलॉजी पार्क में आप एंटर होते ही आपको मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आपको वॉक इन डिस्टेंस है, और वहाँ से ऑटो में भी कर सकते हैं। बस आप 10 रुपये तो शायद ऑटो में आपको शेयर ऑटो में छोड़ देंगे, और आप वॉक इन डिस्टेंस तो आपको 200 मीटर का दूरी पर पड़ेंगे। अब अपना खुद का गाड़ी में वगैरह लेके आ रहे हो तो आपको पार्किंग वगैरह भी यहीं मिल जाएंगे, आपको पार्किंग यहाँ मिल जाएंगे। शायद यहाँ पे पेड पार्किंग वगैरह हो सकता है। और सेकंड, हम अभी जाने वाला हूँ यहाँ पे काफ़ी कुछ लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट की लिस्ट है, जैसे जमाली कमाली मॉस्क है, मैट कैफे, बोट हाउस है, जैसे कि आजकल दिल्ली की वॉरल कैफे है और मैट कैफे गेस्ट हाउस है, सर्कुलर मॉन्यूमेंट है वो भी मैट कैफे के अंदर ही सर्कुलर मॉन्यूमेंट है, खुली खान टॉम है, रोज गार्डन है, कैफे स्टोन है, टॉयलेट है, इतनी सारी डिटेल्स है। अभी ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेड वगैरह यहाँ लगा रखा है। अगर हम जाएंगे अभी सीधे जमाली कमाली टॉम में, और आपको सामने जो दिख रहा है ना, ये है जमाली कमाली टॉम। और जमाली कमाली टॉम के बारे में पूछा जाएंगे तो आपको मैं बता देता हूँ, जमाली एक उर्दू पोएटर है, उनके नाम से फेमस है, इसलिए जमाली नाम से एक शेख मोहम्मद था, तो उससे वो क्या बताऊँ, उसी जो मुगल कैरेक्टर है उससे ही ये जो इनका आर्किटेक्चर है वही किसने बनाया था ये जमाली कमाली टॉम। और कमाली के ऐसा कोई मतलब वगैरह नहीं है, और कमाली के क्या नाम है मुझे भी पता नहीं है, हम जाके अभी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। जमाली कमाली टॉम की जो मेन एंट्रेंस आपको यहाँ देखने मिलेंगे, बट यहाँ से कोई एंट्रेंस वगैरह आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, और यहाँ से जाके आपको आगे से एंटर करना पड़ता है। जमाली कमाली टॉम में जो विजिट करने के बाद हमें मेन एंट्रेंस आपको यहीं देखने मिलेंगे, और मेन एंट्रेंस में आपको एंटर होते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने मिलेंगे, जैसे मॉस्क और एडजॉइन टॉप की एसोसिएट शेख फुसल ऑल्सो जलाल खान की, और निदो जमालिया सेंट, वो उनकी जो स्टोरी है ये जो मैंशन है, ये 15 सेंचुरी में ये जो बनाई गई थी, और 1538 में, ये जो गलत लिखा है 1539 नहीं 1538 है, ये मैं साबित नहीं कर रहा, ये विकीपीडिया में ऐसा मेंशन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये है जमाली कमाली टॉम की ओवरऑल लुक एंड स्ट्रक्चर। और भैया ये जो जमाली कमाली टॉम है ये वो मकबरा है? वो मकबरा। अच्छा, वो एरिया में हम एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं क्या? उधर बंद है, क्लोज। अच्छा, वो क्लोज है। अच्छा, जब भी आप यहाँ विजिट करें, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे पहले आपसे बात करना है, ताकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड है कि नहीं, तो ये बेसिक चीज़ होती है। बाकी आप आराम से इसके बारे में पढ़ के आ सकते हो। मैंने आपको पहले बताया कि है जमाली कमाली के बारे में बताओ, मतलब इनको जो पहले शेख था जमालिया, उसने ये जो टॉम है आर्किटेक्ट द्वारा किया था, ये 1528 से जो टॉम की नकाशी वगैरह या बनाना वगैरह सब कुछ शुरू किया था। उसके बाद ये 10 साल लग गए पूरा टॉम बनाने के लिए। इनके जो बगल में आपको एक मकबरा मिलेंगे, वहाँ पे है जमाली कमाली को जो मतलब वो किया है उनका आफ्टर अपनी ज़िंदगी वहाँ पे उनका डेथ वहीं हुआ था। तो इनको ऊपर जाने की भी रास्ता है, सब कुछ बंद कर रखा है। और साथ में आपको यहाँ पर छोटा सा एक खबर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे काफ़ी लोगों को भी खबर है। और ये है ओवरऑल एक जमाली कमाली की बाहर की एक लुक एंड फील, और बाकी आपको अंदर से मैं दिखाएंगे। इसमें बहुत सारा मैंने आपको बताए थे बेगमपुर मॉस्क में इस काइंड ऑफ स्टक्को पेंटिंग्स वगैरह कर रखा है, ये काइंड ऑफ नमाज करने की जगह होता है ये, और इसका अंदर की आर्किटेक्चर भी काफ़ी तगड़ी है। और यहाँ पर ये भी बोला जाता है शाम को 6:30 के बाद यहाँ पर जो भी जिसे लोग आता है उनको हॉन्टेड एक्सपीरियंस करने के लिए मौका मिलेंगे। और मैंने कभी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, मैंने भी काफ़ी टाइम से यहाँ विजिट किया है, और मुझे कोई ऐसा कोई टप्पर स्लैब वगैरह कुछ मिला नहीं है। तो आज ये है जमाली कमाली, हमें और भी मॉन्यूमेंट्स दिल्ली आर्कियोलॉजी साइट में हमें एक्सपीरियंस करना है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ताजमहल जो आर्किटेक्चर है उनकी जो हाथ कटवाया गया है उसने एक कुछ कुछ टाइम यहाँ पर रहा था मेरोली आर्कियोलॉजी साइट में,
उनका भी उसने कहाँ रहा था वो सब चीज भी आपको इस वीडियो तो दिखाने वाला हूँ, देखते रहना, काफी अच्छा रहने वाला वीडियो। दो साल पहले मैं जब यहाँ विजिट किया था तब ये जो टॉम्ब ऑफ बलिवान की जो मेन एंट्रेंस है आपको जो दिख रहा हुआ पीछे जो गेट है वो बंद था। यहाँ पर पूरा पूरा जंगल जंगल एक्सपीरियंस था। वो फोटोज मेरे पास कुछ कुछ पड़ा है, आपको रेफरेंस के लिए अब हम वीडियो को साइड में लगाना बना रहा हो। जो आपको एंट्रेंस है आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेंगे। ये टॉम्ब ऑफ बलिवान के जो अंदर की एक्सपीरियंस है मैं आपको वो भी कवर करके दिखाने वाला हूँ। आपको अभी यहाँ पे एक सम मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। टॉम्ब ऑफ बलिवान, टॉम्ब ऑफ बलिवान को टॉम्ब आपको यहाँ देखने मिलेंगे और बलिवान टॉम्ब गेट आपको वहाँ देखने मिलेंगे। और ये रेजिडेंट सेटलमेंट है, ये जो एरिया है आपको जो पीछे पीछे दिख रहा है एरिया पूरा रेजिडेंट सेटलमेंट एरिया में है। बलिवान टॉम्ब आपको इस साइड में देखने मिलेंगे, जमाली कमाल टॉम्ब आपको उस साइड में देखने मिलेंगे, यहाँ से सीधे सीधे आपको वहाँ देखने मिलेंगे। ये पूरा एरिया है खंडर हो चुका है अभी, इसका जो वो सब चीज़ें बनने वाला है, रजिस्ट्रेशन पर्पज चल रहा है ऐसे के साइड से। और सर्कुलर वॉक ये मुझे ढूंढना है कहाँ है मुझे नहीं पता, बट ये एक्सपीरियंस करेंगे कहाँ कहाँ चीज़ है। पहले हम इसका अंदर एंटर करके हम इसका अंदर का एक्सपीरियंस कवर करेंगे। और टॉम्ब ऑफ बलिवान की टॉम्ब अगर आपको यहाँ देखने मिलेंगे, इसका अंदर आने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, इसका अंदर विजिट करना है, एक्सपीरियंस करना है, मुझे अब तक नहीं मिला। अब रिसेंटली मुझे ऑप्शन मिला है इसके अंदर आने का और इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा है यार ये देखने के में। और ये जो एरिया देखो, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसके अंदर विजिट करने के लिए। टॉम्ब ऑफ बलिवान काफ़ी टाइम से मेरा लिस्ट में था एक्सपीरियंस करने के लिए। जितनी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ मैंने कवर किया है उस हिसाब से देखो तो यही टॉम्ब एक ही टॉम्ब था मेरा अंदर बचा था टॉम्ब विजिट करने के लिए, और ये पूरी टॉम्ब है टूट हो चुका है। ये जो टॉम्ब ऑफ बलिवान के अंदर की एक मकबरा टाइप था वो पूरा उठा के वहाँ रखी गई है। तो ये है, ये कैसे पता नहीं कैसे उठाया, शायद क्रेन से उठाया है, लोग आया है पता नहीं, ये पूरा उठा के यहीं से ये जो चीज़ से यहीं से उठा के सीधा यहीं रख दिया। ये था वो जो सर्कुलर पोर्शन, यहाँ से हम जा नहीं सकते, यहाँ से ऐसे घूम के जा सकते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है सर्कुलर एरिया, वहाँ पर जो लिखा है सर्कुलर, बाकी रेस्टोरेंट एरिया आपको मैंने बताई गई है, इनका जो राइट साइड रेस्टोरेंट एरिया है इस सर्कुलर एरिया है, पूरा फूट चुका है सब कुछ। देखो कितनी भयंकर है, हमें और भी जगह कवर करनी है मेरे वाले आगे जो साइट में वो भी जगह कवर करेंगे धीरे धीरे।